कोरोना के दो साल बाद लोग सार्वजनिक रूप से ईद मना रहे हैं। भोपाल के ईदगाह पर ईद की नमाज पढ़ी गई। जामा मस्जिद और ताजुल मस्जिद में भी ईद की विशेष नमाज अदा की गई। इसके बाद लोगों ने गले लगाकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। पूरे प्रदेश में ईद की रौनक देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की बधाई दी। चौहान ने कहा कि ईद का त्योहार शांति, सद्भाव, एकता और भाईचारे का संदेश देता है।